नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको परिचय देने वाला हूं अंबा हल्दी के बारे में। दोस्तों जो ये अंबा हल्दी होती है, ये हल्दी जो हम घरों में प्रयोग करते हैं ये उससे कुछ अलग होती है। और इसके जो पेड़ होता है वो भी, इसके जो पत्ते होते हैं इसके तो कुछ उस हल्दी से अलग होते हैं। आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके नामों के बारे में, ये किन किन नामों से जानी जाती है। ये जो अंबा हल्दी है इसे संस्कृत में दारवी मैदा भी बोलते हैं और हिंदी में इसके कपूर हल्दी, अंबिया हल्दी या अंबा हल्दी बोलते हैं। बंगाली में आम आदा बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको मैंगो जिंजर के नाम से जानते हैं। और इसका जो तेलुगु में इसको पालू शुग के नाम से जानते हैं। गुजराती में अंबा हल्दर बोलते हैं। तो ये तो थे इसके पर्यायवाची अलग अलग स्टेटों के हिसाब से नाम। तो चलिए इसके जान लेते हैं गुण और इसका प्रयोग करने की विधि, क्या इसके किन किन रोगों में काम करती है। तो दोस्तों ये जो अंबा हल्दी है, ये अंबा हल्दी सूजन में काम करती है, पथरी को गलाकर ये बाहर निकालती है और इसके अलावा ये घाव को बहुत ही जल्दी भरती है और सूजन में काफ़ी अच्छे लाभ देती है। और इसके अलावा ये मुख के रोगों को भी ठीक करती है, खांसी में भी ये लाभकारी है और हिचकी में भी ये काफ़ी लाभ करती है। इसके अलावा ये जो है, जो ये मैंने अभी रोग बताए ये अनुपान के हिसाब से नुस्खों में अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाता रहूँगा, आपको इसी चैनल पर भी मिल जाएंगी। तो मैंने आज इस वीडियो में केवल इसका परिचय दे रहा हूँ। इसकी जो लेने की मात्रा है वो 3 से 5 ग्राम है। इसको 3 से 5 ग्राम गर्म पानी के साथ ले सकते हैं या दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं या किसी नुस्खे में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। अंबा हल्दी का एक और आपको ध्यान रखना है, अंबा हल्दी का अगर आप अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ये हृदय के लिए कुछ अच्छा नहीं माना जाता और इसका आप जो है सावधानी पूर्वक ही इसका सेवन करें। इसके अलावा ये वायु को शांत करती है और ये पाचन तंत्र को भी ठीक करके भूख को बढ़ाती है। इसका जो स्वभाव होता है वो स्वभाव से ये गर्म होती है और यह है इसका जो स्वाद होता है वो स्वाद कड़वा तीखा होता है। तो ये तो थे अंबा हल्दी के प्रयोग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप किसी और औषधि के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा तो ये भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ताकि हम आने वाली वीडियो में कुछ सुधार कर सके या कोई आपका सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।